तुम्हारी भी एनाटॉमी कुछ ऐसी ही है और तुम अपने कैरेक्टर की ये चार पांच तुच्छे से पोजेस नहीं बना पा रहे हो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं तुम्हें इन तीन पॉइंट की हेल्प से बेसिक एनाटॉमी सिखाऊंगा। और हाँ, एक बोनस ट्रिक भी है, लेकिन अगर तुम्हें ये तीन पॉइंट नहीं पता तो बोनस ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर वन, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी। एक एवरेज ह्यूमन की हाइट 7 to 8 हेड होती है। बेसिकली एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सर रख दो तो उसे तुम ह्यूमन की हाइट नाप सकते हो। लाइक जो हमारे मेल कैरेक्टर होते हैं वो 7 to 8 हेड्स टॉल होते हैं। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ। लाइक हमने यहाँ पे 7.5 हेड्स ले लिए हैं और यहाँ पे हमने एक हेड बना दिया। अब हम बनाएंगे नीचे शोल्डर, तो शोल्डर की वाइडनेस 2 हेड होती है, लाइक इस तरीके से। और यहाँ पे तुम अपर पेल्विस निकाल सकते हो और यहाँ पे तुम स्टमक दे सकते हो और स्टमक के जस्ट नीचे तुम लोअर पेल्विस भी निकाल सकते हो और इसकी वाइडनेस भी अपर पेल्विस की तरह ही होती है मेल कैरेक्टर में। और फिर तुम यहाँ पे थाई निकाल सकते हो और फिर यहाँ पे तुम थाई के नीचे वाले लेग्स निकाल सकते हो जो थाई के एकदम इक्वल हाइट के होते हैं। तो अब बात आती है हैंड्स की। तो जो हमारे हाफ आर्म होते हैं तो वो हमारे पेट की नाभि तक होते हैं और जो बाकी के हाफ आर्म होते हैं वो हमारे अपर आर्म के इक्वल होते हैं। और बाकी जो हमारे पाम्स एंड फिंगर्स होते हैं वो लोअर टॉर्सो के पास होते हैं और हमारे घुटने से ऊपर होते हैं। अब बात करें फीट की, तो फीट कुछ इस टाइप के होते हैं। लेकिन वही अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें, ये 7 to 6 हेड टॉल्स होते हैं। लाइक तुम इसे 7 और 8 हेड टॉल्स भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर आर्टिस्ट फीमेल को रिसेसिव दिखाने के लिए, क्यूट दिखाने के लिए 7 to 6 हेड टॉल्स बनाते हैं ताकि वो थोड़ी क्यूट लगे और अट्रैक्टिव लगे। और फीमेल शोल्डर की वाइडनेस भी मेल की तरह उनके दोनों हेड वाइडनेस की तरह होती है, लाइक कुछ इस तरीके से। लेकिन जो फीमेल का लोअर टॉर्सो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और तुम इसे सेम भी रख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर आर्टिस्ट इसको थोड़ा बड़ा ही रखना प्रेफर करते हैं ताकि फीमेल और अट्रैक्टिव दिखे। और फीमेल्स की जो थाइज होती है वो थोड़ी वाइड होती है और उनके जो लोअर लेग्स होते हैं वो थोड़े से नैरो होते हैं और उनके जो अपर और लोअर आर्म्स होते हैं वो भी नैरो होते हैं। हाँ, तुम इसको भी वाइड रख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड है। बाकी पाम एंड फीट लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन अब बात करें चाइल्ड एंड टीनेज कैरेक्टर की, तो वो 6 to 4 हेड्स टॉल होते हैं। बाकी सारी गाइडलाइंस लगभग सेम ही होती है, हाँ, बस उनके शोल्डर्स थोड़े कम वाइड होते हैं। तो चाइल्ड एंड टीनेज फीमेल कैरेक्टर होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो टीनेज फीमेल्स होती है उनके लोअर टॉर्सो थोड़े से वाइड होते हैं, लेकिन जो चाइल्ड टीनेज कैरेक्टर होती है उनके टॉर्सो एंड शोल्डर की वाइडनेस सेम होती है। और हाँ, जो टीनेज फीमेल कैरेक्टर होती है उनकी टॉर्सो की वाइडनेस एडल्ट फीमेल कैरेक्टर से कम होती है। और हाँ, यहाँ पे एक चीबी कैरेक्टर भी आते हैं जो 3 to 2 हेड टॉल्स होते हैं और ये बहुत क्यूट दिखते हैं, लाइक इस टाइप के। और इनकी नेक ना के बराबर दिखती है और इनके हेड शोल्डर से भी ज्यादा वाइड होते हैं और इनके शोल्डर 1 हेड या उससे कम वाइड होते हैं, लाइक तुम स्क्रीन पे देख सकते हो इजिली। और इनके लोअर टॉर्सो भी इनके शोल्डर जितने ही वाइड होते हैं और इनके हाथ मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, मतलब ये बौना तुम इन्हें समझ लो, लेकिन ये बहुत क्यूट दिखते हैं। पॉइंट नंबर 2, माय एनाटॉमी एंड टर्न अराउंड। तो देखो, मेरी एनाटॉमी बिल्कुल ही सिंपल होती है, वो इस टाइप के स्टिक फिगर में होती है या फिर मैं कभी कभी ऐसे पाइप लाइक एनाटॉमी का यूज करता हूँ। तो जैसे जैसे तुम्हारे हेड के टर्न अराउंड होते हैं, फ्रंट व्यू, 3/4 साइड व्यू, बैक साइड व्यू, उस टाइप से तुम्हारी बॉडी के भी टर्न अराउंड होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तुम हेड्स बना दो सारे एंगल्स में, और अगर तुम्हें हेड एंगल्स नहीं आते हैं बनाना तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देखो जिसे मैंने तुम्हें बेसिक हेड एक्सप्लेन किया है। उसके बाद तुमने फ्रंट व्यू बनाना तो सीख लिया है, तो उसी टाइप से फ्रंट व्यू बना लो। ये मेरे गाइडलाइन है एनाटॉमी के। व्यू हो जाने के बाद हम 3/4 साइड व्यू देख लेते हैं। तो 3/4 साइड व्यू में कुछ नहीं होता, जो तुम्हारी अपर टॉर्सो या चेस्ट जिसे कहते हैं उसको एक क्यूब की तरह इमेजिन करो। और अगर तुम्हें ये क्यूब वगैरह भी नहीं आता तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखो ड्रॉइंग सीरीज की। तो इस टाइप से उसे क्यूब में इमेजिन करो जिसमें क्यूब के 2 साइड दिख रहे हो, और फिर बस यहाँ पे तुम एक टॉर्सो का शेप बना दो या फिर तुम ऐसा क्यूब में ही छोड़ सकते हो। तो अब ये जो हैंड तुम्हारे कैमरा के क्लोज है तो ये ज्यादा एक्सपोज रहेगा इन कम्पेयर टू जो दूर है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। और तुम्हारी लोअर टॉर्सो भी कुछ इसी टाइप से बनेगी, तुम इसे भी क्यूब मान सकते हो या तुम इसे इस टाइप का शेप दे सकते हो। मैं तो कहूंगा थोड़ा ट्राई करो और इस टाइप का शेप दे लो ताकि तुम्हें आगे चल के आसानी हो। और बाकी लेग्स भी कुछ इसी टाइप के होंगे और जो तुम्हारे फीट होंगे लेग के वो कुछ इस टाइप से होंगे। बारी आती है साइड व्यू की, तो साइड व्यू में कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन साइड व्यू से तुम्हारी बॉडी एस कर्व में दिखती है या तुम स्नेक फॉर्म में कह सकते हो इसे। तो साइड व्यू के लिए सबसे पहले साइड हेड बना लो और फिर कुछ इस तरीके से क्यूब इमेजिन कर लो, तुम्हारा अपर टॉर्सो, फिर तुम्हारा लोअर टॉर्सो हो गया यहाँ पे, फिर तुम्हारे हैंड सिर्फ एक ही साइड वाले दिखेंगे, सेकंड साइड वाला तुम्हारा हैंड हाइड होगा, फिर तुम्हारे लेग्स भी एक ही साइड के दिखेंगे और बाकी सारी चीजें ऐसे बना लो, है ना, सिंपल। और हाँ, हमेशा याद रखना बॉडी एस कर्व में होगी। तो अब बारी आती है बैक व्यू की। बैक व्यू कुछ नहीं होता, बस फ्रंट व्यू का अपोजिट होता है। तुम बस बैक व्यू हेड बना लो कुछ इस टाइप से और यहाँ पे नेक में तुम
ऐसे बना लो और बस बाकी सारे फ्रंट व्यू वाले चेप दो। हाँ, तुम्हारे हैंड और फीट बस थोड़े से अलग रहेंगे जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तुम एनाटॉमी की रफ वर्क कर रहे हो बैक व्यू में तो वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, बॉडी सिमेट्रिक एंड बेसिक पोजेस। तो हमारी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, तुम इस ड्रॉइंग को इजिली देख के पता कर सकते हो। और ये ड्रॉइंग लियोनार्डो दा विंची ने दिया था और इस ड्रॉइंग को पता नहीं विंटरमैन, पता नहीं यार मेरे को प्रोनंसिएशन करने नहीं आ रहा ये। और इसका बेसिक मतलब होता है हमारी जो मूवमेंट होती है वो एक सर्कुलर मूवमेंट होती है, लाइक कुछ इस टाइप से। बात करते हैं बेसिक पोजेस के बारे में, तो मैंने तुम्हें एनाटॉमी यहाँ पे सिखा दिया यार, बॉडी सिमेट्री सिखा दी, तो बेसिक पोजेस तो तुम इजिली बना लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस तुम अपने आप को शीशे में इमेजिन करो या फिर कैमरा खोल के बैठ जाओ और उस टाइप से इमेजिन करो, पिक्चर्स वगैरह क्लिक मत करना, उसे ट्रेस मत करने लग जाना, ठीक है। तो बस तुम इस टाइप का पोजेस बना सकते हो यहाँ पे लैसो टूल वगैरह से सेलेक्ट कर करके, बहुत इजी होता है बिगनर स्टेजेस में। और हाँ, तुम्हारे शोल्डर भी इफेक्ट होते हैं तुम्हारे हैंड पोजेस के अकॉर्डिंग, लाइक तुम इस टाइप का पोज बना रहे हो तो तुम्हारे शोल्डर थोड़े ऊपर रहेंगे, लाइक तुम इस टाइप का पोज बना रहे हो तो तुम्हारे ये सारे खिंच जाएंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी है, बाकी तुम प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे इसे भी, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना एडवांस सीखने के लिए तुम्हें बॉडी की एक एक मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, एक एक बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, जो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मेरे को बेसिक पता है। पॉइंट नंबर 4, जिसका हमें था इंतजार, रेफरेंसेस। देखो रेफरेंस और ट्रेसिंग को लेके बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है। रेफरेंस करना और ट्रेसिंग करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है अगर तुम सीखने के लिए कर रहे हो तो। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम बिगनर स्टेज में हो तो। मैंने भी बहुत सारी ट्रेसिंग करी है सीखने के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट तक रेफरेंसेस लेते हैं, लेकिन रेफरेंस लेके उसे कॉपी कर लेना और रेफरेंस लेके उसे अपने तरीके से बनाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और तुम सीखने के लिए इसे ट्राई जरूर करो और रेफरेंस जरूर लो, इससे तुम्हारी आर्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। मैं भी लेता हूँ बहुत सारे रेफरेंस। तो देखो, शुरुआत है तुमसे एनाटॉमी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, पोजेस बिल्कुल नहीं बनेंगे, तो तुम 3D मॉडल का रेफरेंसेस ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं फोन एनिमेटर्स के लिए बता देता हूँ, क्योंकि 76% एनिमेटर फोन एनिमेटर है हमारे चैनल पे। तो फोन पे तुम इस वेबसाइट पे आ सकते हो, इस वेबसाइट पे तुम 3D मॉडल मिल जाएगा, तुम इसे थोड़ा मूव करके अलग अलग पोजेस वगैरह देके सारी चीजें कर सकते हो। और अगर तुम PC पे हो तो तुम इस वेबसाइट पे ही आ सकते हो, या फिर तुम क्लिप स्टूडियो वगैरह यूज करते हो तो वहां पे तुम्हें 3D मॉडल का ऑप्शन मिल जाता है, तुम उसे यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें और ज्यादा रेफरेंस चाहिए तो तुम अपनी खुद की फोटो खींचो और फिर उसे तुम इस टाइप से ट्रेस करो और फिर खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। बाकी वीडियो खत्म, पैसा जम, कमेंट करो ये, और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हम वहाँ भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो तुम डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे इजिली रिप्लाई कर देता हूँ।